टीम इंडिया के धाकड़ ओपनिंग बल्लेबाज और युवा सेंसेशन मयंक अग्रवाल शुक्रवार को अपने दोहरे शतक के साथ ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन से भी आगे निकल गए। जी हाँ, मयंक ने इंदौर के होलकर स्टेडियम में बांग्लादेश के साथ जारी पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन छक्के के साथ अपने करियर का 8वें ही मैच में दूसरा दोहरा शतक ठोक दिया। मयंक ने 12वीं पारी तक जाते जाते दो दोहरे शतक लगा दिए, जबकि ब्रैडमैन ने दो दोहरे शतकों के लिए 13 पारियों का इंतजार किया था। हालांकि इनमें से एक दोहरे शतक को ब्रैडमैन के बाद में 13 शतक में बदला था, तब ब्रैडमैन ने इंग्लैंड के खिलाफ 334 रनों की पारियां खेली थी। इस फहरिस्त में हालांकि भारत के विनोद कांबली सबसे आगे हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत 5 पारियों में ही 2 दोहरे शतक लगा दिए थे। इस सूची में कई बड़े दिग्गज खिलाड़ी भी शामिल हैं, लेकिन मयंक अग्रवाल की एक शानदार पारी ने मयंक को एक बेहतरीन खिलाड़ी भी बना दिया है। अपने करियर के 8वें टेस्ट में ही मयंक अग्रवाल ने बड़ा कारनामा कर दिया है, साथ ही मयंक की औसत भी 100 से ऊपर भारत में आ चुकी है। मयंक अग्रवाल ने इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी दोहरा शतक जड़ा था और अपनी पारी से मयंक अग्रवाल ने बता दिया कि भारत की ओपनिंग समस्या अब खत्म हो चुकी है और वो ही भारतीय टीम के लिए एक सबसे बड़ा हथियार साबित होंगे। रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल की जोड़ी से अब पूरे तरीके से विरोधियों के लिए एक खटिया खड़ी करने वाली सिचुएशन सामने आ गई है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।